इन सब ने दोनों साइड में प्लास्टिक को अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पे पॉकेट अटैच करेंगे। तो पॉकेट के लिए हमने 1 इंच चौड़े और 5 इंच लंबे फ्यूजिंग के पीस को इस तरह से कपड़े में रख के इस तरह से टर्न किया है और पॉकेट के किनारों को गोल शेप देने के लिए हमने ये गत्ते का पीस लिया है। पहले हमने इसके किनारों को गोल शेप दी है, इसके बाद हमने इस तरह से इसको कपड़े में रख के यहाँ किनारों पे रख के हमने इसको इस्त्री से इस तरह से प्रेस किया है। तो इस तरह से हमने पॉकेट के किनारों को गोल शेप दी है। व्यूज़, हमारे ये पॉकेट की लंबाई 5.5 इंच है और इसकी चौड़ाई 5 इंच है। अब हम यहाँ ऊपर और नीचे डबल सिलाई लगाएंगे और उसके बाद इसको कमीज पे अटैच करेंगे। व्यूअर्स, अब हम इसको कमीज पे अटैच करेंगे। व्यूअर्स, अब हम पॉकेट को यहाँ प्लेकेट के साथ 1 इंच एक पॉइंट पे और यहाँ शोल्डर से 1/2 इंच छोड़ के यहाँ 7.5 तक यहाँ पे हम इसको सेट करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे हम इसको पिन अप करेंगे। तो अब हम यहां से सिलाई स्टार्ट करेंगे और सारी पॉकेट को अटैच करेंगे। व्यूअर्स, हमने पॉकेट को अटैच कर लिया है। अब हम गले की कटिंग के बाद तीरा अटैच करेंगे। व्यूअर्स, पॉकेट अटैच करने के बाद अब हम यहां से गले की कटिंग करेंगे। तो गले की कटिंग के लिए हम इन दोनों ब्रैकेट्स को इस तरह से एक साथ पकड़ के इस तरह से टर्न करेंगे। इस तरह से टर्न करने के बाद हम यहां से गले की लंबाई 3 इंच तक लेंगे और यहां से गले की चौड़ाई भी 3 इंच तक लेंगे और यहां से इस तरह से गोल शेप बनाएंगे। तो अब हम यहां से कट करेंगे। व्यूअर्स, बैक गले को भी हमने इस तरह से टर्न करके रखा है। तो यहाँ तीरे से हम बैक गले को 1/2 इंच के करीब कट करेंगे और यहाँ चौड़ाई 3 इंच तक लेंगे। अब हम यहाँ से कट करेंगे। व्यूअर्स, हमने फ्रंट और बैक साइड के गले को कट कर लिया है। अब हम तीरे को फ्रंट पार्ट के साथ जॉइन करेंगे। तीरे को फ्रंट पार्ट से जॉइन करने के लिए सबसे पहले हम कमीज की सीधी साइड को तीरे की एक साइड से इस तरह से जॉइन करेंगे।
इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी इस तरह से ज्वाइन करेंगे। व्यूज ये कमीज की सीधी साइड है। सबसे पहले हमने तीरे की एक साइड को फ्रंट पार्ट के साथ ज्वाइन किया है। अब हम तीरे की दूसरी साइड को इस तरह से टर्न करने के बाद इस तरह से इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे। व्यूअर्स ये हमने एक साइड को सिलाई कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी इस तरह से ज्वाइन करेंगे। व्यूअर्स हमने दोनों साइड्स में तीरे को अटैच कर लिया है। अब हम घेरे और चाक की टर्निंग करेंगे।